रविवार को छोटा मेला ग्राउंड के सामने अंजुमन अहले इस्लामिक कमेटी और हजरत सरकार नो गज वली दरगाह कमेटी के तत्वावधान में निःशुल्क 36 जोड़ों का निकाह कार्यक्रम संपन्न नो गज वाले दरगाह परिसर में हुआ। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह भी वर वधु को आशीर्वाद देने सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। यहां आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ने नव वर वधुओं के सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा योजना में सभी दानदाताओं द्वारा किए गए सहयोग पर मध्य प्रदेश शासन की ओर से धन्यवाद दिया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि गत दिवस बीजेपी के धरने में डीपी नहीं मिलने के आरोपों पर सफाई देते हुए मैंने विपक्ष के आरोपों पर बिजली विभाग के अफसरों को तलब किया और उन्होंने बताया कि अब तक 1250 डीपी हम बदल चुके हैं, 70 साल में डीपी नहीं बदली गई वो भी हम बदल चुके हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा मैं आलोचना में विश्वास करने की बजाय बेहतर कार्य करने में विश्वास करता हूँ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी लोग नगर विकास में सहयोग करें। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सभी जोड़ों के खाते में 48,000 डाले जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर दरगाह स्थल पर सामुदायिक भवन के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। साथियों, मेरा मानना है कि समिति के हमारे अल्ताफ भाई और सब साथियों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से काम किया और व्यवस्थाएं यहां पर जुटाई। मुझे याद है पिछले एक महीने से ये लगे हुए थे, जुटे हुए थे, सर्टिफिकेट बनवाना, कागजी कार्रवाई करवाना, व्यवस्था जमवाना, पूरी मेहनत के साथ इनने आज के इस कार्यक्रम को अंजाम दिया और ये सफलता से आयोजन हो रहा है, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शादी का जश्न है और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, जिन्होंने आज वो यहां पर उपस्थित नहीं है, मंच पे नहीं है, पर ये कार्यक्रम उनकी वजह से हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री कन्या निकाह कार्यक्रम पहले भी होता था परंतु उसमें सहायता मिलती थी 28,000 की, 6-7,000 काट दिए जाते थे। अब हमने नई व्यवस्था जुटवाई है जहां 51,000 की सहायता मिलेगी, 3,000 कटेंगे, 48,000 रुपया पूरा कन्या के खाते में जमा होगा। ये लक्ष्य बनाकर कार्यक्रम हमने तय किया और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि मध्य प्रदेश में सैकड़ों गरीब परिवार की कन्याओं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी अंचल की हो, आज उनका विवाह और निकाह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और उसमें शासन भागीदार बन के काम कर रहा है और शासन की मदद पूरी पूरी मिल रही है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवार जो है हमारे, वो इस योजना का लाभ ले। इसलिए मैंने कहा कि अगला जो कार्यक्रम हम करवाएं वो 100 जोड़ों का करवाएं, मुख्यमंत्री कन्यादान का भी और मुख्यमंत्री निकाह का भी, दोनों कार्यक्रम आयोजित हो। और सीओ साहब, आप प्रयास करें इस आशय में जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी आपकी मदद करेंगे। फरवरी में पुनः मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का कार्यक्रम भी यहाँ पे हम संपन्न करवाएं। साथियों, बाबा नौगजवली पीर में असीम आस्था यहाँ के सभी लोगों की है, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जाति के लोग बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और हम लोग अब लगातार प्रयासरत हैं कि खिलचीपुर के विकास में जो कड़ियां जुड़ रही हैं, चाहे मंडी रोड हो, चाहे हमारा नेशनल हाईवे हो, चाहे हमारा नया सामुदायिक भवन जो हम आईटीआई बिल्डिंग के जगह निर्माण करवाने जा रहे हैं, चाहे हमारे पेवर ब्लॉक लग रहे हैं, अतिक्रमण हट रहा है, व्यवस्था की ओर खिलचीपुर आगे बढ़ रहा है। 15 साल से किसी की निगाह नहीं थी इस नगर के ऊपर, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं काका जी, ये 11 लाख रुपए का सामुदायिक भवन तो हम यहां बनवाएंगे और साथ साथ इस पूरे स्थान में, क्योंकि यहां फॉरेस्ट की जमीन है, फॉरेस्ट की जमीन को हम हाथ नहीं लगा सकते, पर जो अन्य
फॉरेस्ट के बाहर जो जमीन है उसके माध्यम से यहाँ पे किस प्रकार से डेवलपमेंट हो सके उसका भी पूरा पूरा ध्यान हम देंगे और एक समग्र डेवलपमेंट का यहाँ का प्लान हम तैयार करवाएंगे। साथ साथ ही ओंकारनाथ तालाब का हमारा जीर्णोद्धार का हम प्लान तैयार पहले से ही करवा रहे हैं, उसको भी हम जल्द से जल्द लागू अगले बजट में लेके लागू करवाएंगे ताकि खिलचीपुर क्या जैसा इतिहास है, खिलचीपुर का जैसा एक गंगा जमनी तहजीब का एक पूरा खिलचीपुर नगर एक पर्याय बना हुआ है। यहाँ चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे शिवालय हो, यहाँ पर हर चीज की अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक मुकाम है। तो उन सब का विकास के लिए भी हम लोग योजना तैयार कर रहे हैं और उसमें नौगज वाली पीर का स्थान को भी हम जोड़ के चलेंगे। साथियों यही नहीं,